नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट दर्द, ब्लोटिंग, कब्ज, एसिडिटी जैसी कई सारी परेशानियां होती हैं। हालांकि ये सारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, जो अवधि खत्म होने के बाद खुद ब खुद ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन पीरियड्स के दौरान अगर खून के थक्के बन रहे हैं तो उसे हल्के में न लें, क्योंकि ये किसी गंभीर परेशानी का संकेत हो सकते हैं। अगर ब्लीडिंग में काफी गाढ़ा थक्के युक्त खून बाहर निकल रहा है तो जान ले ये क्लॉटिंग है। ऐसा ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है। खून के गाढ़े थक्के देखकर डरे नहीं, लेकिन इसे इग्नोर भी ना करें। दरअसल ब्लड क्लॉटिंग एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसके कारण खून ज्यादा तेज नहीं बहता। अगर खून के थक्के नहीं जमेंगे तो आपका ब्लड लगातार बहता ही रहेगा। आपने देखा होगा कि चोट लगने पर खून बहने लगता है जो क्लॉट्स बनने पर ही रुकता है। ये सबके लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं पीरियड्स के दिनों में गर्भाशय के अंदर की परत टूटकर बाहर निकलती है, जिससे रक्त बहने लगता है, लेकिन ज्यादा खून बहना अच्छी बात नहीं है। जब शरीर में पीरियड वाला ब्लड बाहर निकलने वाला होता है, उससे पहले ही शरीर एंटी कोगुलेंट्स का स्त्राव करने लगता है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है और थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग शुरू होने के बाद क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, इससे खून ज्यादा मात्रा में बाहर नहीं निकलता। अगर पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग हो रही है और रक्त के थक्के नहीं बन रहे हैं तो इससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। ऐसे में क्लॉटिंग होना आपके लिए फायदेमंद है। ये पूरी तरह से बात पर भी निर्भर करता है कि आपके पीरियड्स भारी हैं या हल्के। प्यूबर्टी के दौरान महिलाओं को भारी मात्रा में फ्लो होता है, तब थक्के बनने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं प्री मेनोपॉजल महिलाओं को जब अचानक से फ्लो शुरू होता है तो भारी मात्रा में थक्के दिखते हैं। अगर किसी मेडिकल इन्फेक्शन या गर्भपात की वजह से हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो ये खतरे की बात है। ऐसे में आपको डॉक्टर से तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। वहीं शोध में ये बताया गया है कि मध्य उम्र की लगभग 70% महिलाएं फाइब्रॉइड की समस्या से ग्रस्त हैं। कुछ महिलाओं में पीरियड्स के शुरुआती 5 सालों और मेनोपॉज के ठीक 1 साल पहले ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है। वहीं पीरियड्स ब्लड के एकत्रित होकर चिपकने से रक्त का थक्का बन जाता है। ये अलग अलग आकार के होते हैं और अगर ये बहुत बड़े आकार के हों तो चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।